कंप्यूटर के आज मैं कुछ ऐसे शॉर्टकट ये बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले लिस्ट के पहले शॉर्टकट का नाम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना होता है कोई भी इमेज वीडियो रखने के लिए, तो आप कहीं पे जाते हो, ऐसा राइट क्लिक करते हो, न्यू पे जाते हो और फोल्डर क्रिएट कर लेते हो। लेकिन उससे भी फास्ट तरीके एक है कंट्रोल शिफ्ट और एन को अगर एक साथ दबाओगे तो आप फोल्डर बना सकते। तो जैसे स्क्रीन में दिख रहा है मैं इतने सारे फोल्डर बना चुका हूँ, तो मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डिलीट कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। लिस्ट के दूसरे शॉर्टकट के नाम है ऑल्ट प्लस लेफ्ट हैंड राइट एरो की। तो होता क्या, जैसे अभी मैं जिस पीसी ऑन कर लेता हूँ अपना, तो ये ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं किसी लोकल डिस्क ई में चले जाता हूँ, तो मुझे अब यहाँ से बैक आना है, तो ऊपर यहाँ पे एरो है, एरो को दबाऊंगा तो मैं बैक आ जाऊंगा। तो एरो से भी अच्छा तरीका है, ऑल्ट और लेफ्ट एरो दबाओगे तो आप बैक आ जाओगे। फिर उसी में आने के लिए आपको राइट की दबाना है ऑल्ट की के साथ। तो ये बहुत यूज़फुल तरीका है आपका टाइम बचाने का। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे लिस्ट के तीसरे शॉर्टकट की का नाम है विंडो की प्लस डी की। तो जैसे मैं यहाँ पर ढेर सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, ढेर सारे प्रोग्राम ओपन कर, जैसे दिस पीसी, यहाँ रिसाइकल बिन ओपन कर लेता हूँ, एक कंट्रोल पैनल ऑल ओपन कर लेता हूँ, नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मैंने बना रखा है, और मैं पेंट भी ओपन कर लेता हूँ। तो विंडो में चले जाता हूँ, अपने पेंट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे ढेर सारे प्रोग्राम ओपन कर लिया, मुझे एक साथ इन मिनिमाइज कर, तो विंडो प्लस डी को एक साथ दबाऊँगा तो मिनिमाइज। विंडो की होती है आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में, आपको पता ही होगा, उसी से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज में कर सकता हूँ। तो मिनिमाइज करने के लिए वो की बहुत बढ़िया। अगर आपको वीडियो पसंद आए करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।